request all my friends from the media to please settle down. Our lovely photographers in the front row, please be seated so that the video people can have a good view from the background. Khawateen o Hazrat, ladies and gentlemen, namaskar aur bahut bahut swagat. आज की इस शाम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ. आई एम योर होस्ट फॉर द इवनिंग. मैं कई सालों से रात को रेडियो पे आपको गाने सुनाता आया हूँ. मैं आरजे अनमोल हूँ और क्योंकि रेडियो और टीवी पे मेरा वास्ता हमेशा गोल्डन ईरा के गानों के साथ रहा है, तो पता नहीं क्यों आज झूम झूम के घूम घूम के मेरे जहन में एक गाना बार बार आ रहा है. शैलेंद्र साहब ने कहा कि होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. कितने गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि उस देश के वासी हैं जहाँ वो पावन गंगा बहती है. कितने जोश के साथ हर भारतीय यह कहता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ वो विशाल ताजमहल है. कितना खुशी महसूस होती है जब हम ये कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां वो बंगाल टाइगर है जिसकी गरज पूरी दुनिया में मशहूर है, और हम उस देश के वासी हैं जहां भाषाएं अनेक है लेकिन भारत एक है. और क्या खूबसूरत मंजर इस वक्त मैं देख रहा हूं यहां स्टेज के ऊपर. बिकॉज हियर वी हैव अ लेजेंड जो गंगा की तरह पावन है, जिनकी शख्सियत ताजमहल की तरह विशाल है, जिनके किरदार अनेक हैं लेकिन एक्टर एक है, और उनकी आवाज की गरज पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और इसलिए पूरी दुनिया के हर कोने में हर भारतीय दिल चौड़ा करके कहता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अमिताभ बच्चन रहते हैं. सो व्हाट अ प्लेजर, व्हाट एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू टुडे एंड टू वेलकम यू. मे आई प्लीज फर्स्ट रिक्वेस्ट ईपी पांडे जी to come up on the stage with some beautiful flowers to honor Bachchan Saab. Oh, a beautiful photo up there. Thank you. E.P. Pandey, who's IRTS officer 1995 batch, a great runner, and of course, with another beautiful bouquet, we would like to request on stage well-known advocate, social worker who runs the NGO Run Summer, Abha Singh Ji, welcoming Mr. Bachchan on the stage. Thank you, E.T. Ji. Thank you, Abha Ji. And as I said in the beginning, it's a great honor for me to be here on stage. And it's a great honor for that girl who was born in Allahabad. In Allahabad University, she had her studies. फिर उन गलियारों से निकलता हुआ 1993 बैच IRS, और फिर एक डायनामिक पर्सनालिटी बनकर आगे निकलकर ही बिकेम द इनकम टैक्स कमिश्नर. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वीरेंद्र ओझा जी का. जब वीरेंद्र जी, छोटी सी मैं एक बात सबसे शेयर करना चाहूंगा, जब मैं इनसे पहली बार मिला तो मेरे जहन में इनकी वो छवि इनकम टैक्स कमिश्नर की बड़ी हावी थी, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो छवि बड़ी धुंधली हो गई, क्योंकि जो ये फिटनेस फ्रीक हैं और जो ये रनर हैं, जो ये पिछले साल साउथ अफ्रीका में 87 किलोमीटर की मैराथन पूरी करके ब्रॉन्ज मेडल जीते, वो इनकम टैक्स कमिश्नर को पीछे छोड़ के वो फिटनेस फ्रीक वीरेंद्र ओझा बहुत ही जल्द रेस में आगे बढ़ गए. और इन्हीं बातचीत के बीच में ये कभी कभी दो तीन बड़ी प्यारी कविता करते थे. मैंने पूछा, वीरेंद्र जी, ये कविता जो आप कह रहे हैं ये किन की लिखी हुई लाइन है? तो जनाब ने बताया कि ये इन्हीं की लिखी हुई लाइन है. और बहुत ही जल्द वो कवि वीरेंद्र जो हैं, उन्होंने उस इनकम टैक्स कमिश्नर वीरेंद्र ओझा, उस फिटनेस फ्रीक वीरेंद्र ओझा को बहुत पीछे छोड़ दिया. एंड दैट्स द रीजन वी ऑल आर हियर टुगेदर to share this lovely, beautiful book written by Virendra Ojha Ji, Kuch Shabd Mere. Ek baar zordaar taaliyan ho jaye for this beautiful moment here. A dream coming true for you, Virendra Ji. Aur isse pehle ki main ek ke baad ek daawat doon, we have some very special people here
who would like to talk on the stage. But Virendra ji, ye kaise ho sakta hai ki aap bhi stage pe hain, Bachchan sahab aapki is kitab ke kuch panne palat rahe hain. Why not you also welcome Bachchan sahab here on the stage with this beautiful bouquet of flowers here. And a beautiful photo up here for all our friends. भाई तालियां वाले अगर रहे तो जरा मजा आएगा. ये हुई ना बात, क्या बात है. एंड नाउ एक ऐसा मोमेंट जिसका कि इंतजार वीरेंद्र जी काफी दिनों से कर रहे थे, हम सब के सब एक साथ लगे हुए थे दैट ये मोमेंट आएगा व्हेन वी आर गोइंग टू अनवील द कवर ऑफ हिज बुक. कुछ शब्द मेरे बच्चन साहब, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इफ यू कैन मूव टूवर्ड्स दैट साइड. सर सर फ्रॉम द स्टेज सर. वेट 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 यू कम ऑन द स्टेज. Okay, join your hands, everybody. Come on. बहुत खुशी का ये moment. कुछ शब्द मेरे. So if you can just autograph on this cover. वाह क्या बात है, तालियां हो जाए इस बात पे. सुपर, थैंक यू सो मच सर. स्नेह अमिताभ बच्चन. सो वी सॉ योर ट्वीट लास्ट नाइट एट 2:30 व्हेन यू वर रिकॉर्डिंग इन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर योर अपकमिंग फिल्म. एंड टुडे इट्स सो लवली टू सी यू हियर अमिस्ट अस. Please be seated. Thank you. Thank you. क्यों शिकायत करता है नुकीले पत्थरों से चोट खाने पर? क्यों शिकायत करता है नुकीले पत्थरों से चोट खाने पर? अपनी शर्तों पर जीने की कीमत तो चुकानी होगी. वीरेंद्र जी आप ही की लिखी हुई लाइनों के साथ मैं आगाज करता हूं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम ऑन स्टेज a beautiful lady who came with a beautiful bouquet of flowers to talk, a very well-known advocate, a social worker who runs the NGO Run Summer. Please welcome Abha Singh ji to join us here. Abha ji ke liye zordaar taaliyan ho jaye everybody. Thank you. Amitabh ji ke samne kavita padhna chirag ko roshni dikhane ki baat hai. मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ जबकि कोर्ट में बहुत चिट्ठी चिल्लाती हूँ, लेकिन आपकी शख्सियत के सामने. वीरेंद्र मेरे भाई जैसे हैं और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे कि उनकी इस पुस्तक में की चंद लाइंस मैं पढ़ रही हूँ. चूँकि महिला दिवस आने वाला है इसलिए मैंने पहली कविता महिला दिवस के लिए. जो पता नहीं क्यों मैं चाहती हूँ जितने आंसू मुकद्दर में लिखे हैं लोगों के वह मेरे आंखों में जज्ब हो जाए. तरकश में जितने तीर रखे हैं किसी के मेरे सीने में टूट जाए. पता नहीं क्यों मैं चाहती हूँ जब भी मैं कोई ख्वाब देखूं तो वह सलामती के हो इस जहां के. पता नहीं क्यों मैं चाहती हूँ दुआओं के लिए जब उठे मेरे हाथ इस जहां में आफताब की सलामती के हो. शायद मैं बनी हूँ जहां की सलामती के लिए. शुक्र है सबको सबका याद किया आज मुझको किसी बहाने मेरी ही सलामती के लिए. 8 मार्च को शायद हम सिर्फ महिलाओं को याद करते हैं टोकनिज्म और वो बहुत खूबसूरती से वीरेंद्र ने महिला दिवस में दिखाई है कि वह महिला जो 364 दिन मरती है खटती है लेकिन एक 365वें दिन ही हम उसको याद करते हैं. दूसरी भी महिला प्रधान है वृद्धाश्रम. और ये कविता जो है चूंकि मैं विमेन राइट्स पे बहुत काम करती हूँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ती हूँ
ये फीटीसाइड के बारे में बात करती है जिसमें महाराष्ट्र बहुत आगे है, और ये भी दिखाती है कि वृद्धों का जो इस देश में अनादर हो रहा है, कैसे ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, उस पर लिखी है कविता। मैं आज के समाज के जो उजागर करती है उसको मैं ला रही हूँ। और कैसे मार्मिक है ये लाइनें, वीरेंद्र आपने कलम तोड़ दी इस कविता को लिखने में, कि एक माँ जिसने बेटे को अरमान से पैदा किया, जब वो बेटा उसको एक ओल्ड एज होम में छोड़ के जा रहा है, तब भी माँ के हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठ रहे हैं। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ रहे बेटे को माँ ने गले से लगाया, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ रहे बेटे को माँ ने गले से लगाया, बड़ी शिद्दत से उसके बालों पर हाथ फेरा, थर थराती आवाज रुधे गले से बताया उसको राज जीवन का, पांच मासूमों की हत्या का पाप सताता रहा हर रोज मुझे, पांच मासूमों की हत्या का पाप सताता रहा हर रोज मुझे, पांच बेटियों के गर्भपात पर जना था तू, मेरे तीर्थ यात्रा की घुमावदार संघर्षों का प्रतीक है तू, पांच बेटियों के गर्भपात पर जना था तू, माफ करना ऐ खुदा इस अबोध को, माफ करना ऐ खुदा इस अबोध को, इस नासमझ को नहीं है समझ अच्छे और बुरे की, देखिए माँ का दिल तब भी बेटे के लिए दुआ कर रही है, बस एक एहसान और कर मेरे ऐ खुदा, बस एक एहसान और कर मेरे ऐ खुदा, इसके कर्मों की सजा भी जोड़ दे मेरे गुनाहों में, इसके कर्मों की सजा भी जोड़ दे मेरे गुनाहों में, जनाजे की चादर भी एहसानमंद होगी तेरी नेक नियति की, जनाजे की चादर भी एहसानमंद होगी तेरी नेक नियति की। ये है कुछ शब्द मेरे, मैं दोबारा बधाई देना चाहूँगी। शायद हम लोग शब्द हैं, इनकी जो लाइन्स हैं दिल को छूती हैं। मैंने चेष्टा की है एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, महिला दिवस और वृद्धाश्रम पे बताने की। बाकी तो अमित जी की जो जो इस पुस्तक की सुंदरता है वो अमित जी की आवाज में सुनाई देगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच आभा जी। देखिए जब ये किताब आपके हाथों में आएगी तो आप बहुत सी कविताएं हैं जो पढ़ेंगे, जो मजा लेंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, जो मेरी पर्सनल फेवरेट रही है, जो शायरी की तर्ज पे आप दो लाइनों में कविता करते हैं, वो बड़ी खूबसूरत है। और क्योंकि शायरी की बात हुई है तो बहुत ही जाने माने शायर आज नौशाद अली साहब हमारे बीच में हैं, तो मैं उन्हें दावत दूंगा इस वक्त स्टेज पे हमारे साथ में आए। नौशाद अली साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। वीरेंद्र ओझा जी, मेहमान खुसूसी अमिताभ बच्चन जी को सलामे मोहब्बत के साथ सलामे अकीदत पेश करते हुए चार बातें जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूँ। यूँ है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। वीरेंद्र ओझा जी उन वक्त लोगों में हैं जो सांचे बदल रहे हैं। देखिए शायरी तीन किस्म की होती है। एक शायर रुमानी होता है जो हुस्न और इश्क की बात करते हैं, जो क्लासिकल एज था हमारे मीर से लेके दर तक। फिर एक होता है लफ्ज़ों का शायर, और फिर जो आज के दौर जदीदियत का शायर है वो है एहसास का शायर। वीरेंद्र ओझा एहसास के शायर हैं। हमारा माहौल इतना बिगड़ चुका है कि आसपास में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो तकलीफात हैं, जो परेशानियां हैं, जो मजबूरियां हैं, इन सब को जब चोट लगती है दिल में किसी शायर के, तो लफ्ज़ों में बाहर आता है, और उस लफ्ज़ों को शब्द कहें लफ्ज़ कहें वो अपने एहसास को बयान करते हुए कोशिश करता है कि अगले के दिन में वो बात पहुँचे, और वो भी कहीं ना कहीं इनकलाब अंदर पैदा करने की कोशिश करे। तो ये एहसास के शायर होने के बावजूद लफ्ज़ों के बहुत अच्छे शायर हैं। मैंने इनसे कहा था कि इस किताब का नाम लफ्ज़ों का भी सफ़र हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में कहा कुछ शब्द मेरे, ये भी बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया के लिए कह रहा हूँ, मेरे शब्द हैं, आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसा है कि
शायरी तो एक कर चुका, मैंने इनकी किताबें पढ़ी है, आधुनिक शायर हैं, मतलब लतीफ़ काफिया के शायर नहीं है ये। और आधुनिकता चूँकि आज के दौर का, आप अपनी बात को रख दीजिए, आप सामने दुनिया के वो कर रहे हैं, इसे हिंदी में आजकल हाइकू कहने लगे। हाइकू सिर्फ जापान में होता था, स्पेनिश में होता है, उर्दू में अब शुरू हुई है और अब हिंदी में भी शुरू हो गई, काफ़ी दिन पहले शुरू हो गई थी। तो ये उसके शायर हैं। और एहसास के, देखिए एहसास इस वक्त दुनिया में ख़त्म हो चुका है। मेरा ये एक शेर है कि इतनी बड़ी गुनाह की गर्मी की शिद्दतें, इंसान जिंदा रह गया एहसास जल गए। तो अब ये एहसास का शायर जब कोई पैदा होता है तो हमें ये चाहिए कि हम उसके शब्दों को सुने, जो बाद में जुमलों में बदलेगा, फिर बयान में बदलेगा, फिर वो इंसाफ में बदलेगा, फिर वो इंकलाब में बदलेगा। तो इसके साथ मैं शुक्रिया भी कहूँगा और मुबारकबाद भी दूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी और अपने एहसास को बयान किया। तो हमारा अब ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस किताब को पढ़ें, उसके एहसास को जानें और इसको आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much for this. And now, ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for. Like I told you in the beginning of my speech, that a marathon runner, a fitness freak, the income tax commissioner, and the writer of Kuch Shab Mere, Dawatunga is on the podium, Mr. Virendra Ojha. Taliyan Ojha, everybody, come on. बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पोडियम में दावत दूँ, बच्चन साहब, हम भूल जाते हैं जब आप आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसलिए मैं भूल गया कि किताब का अनावरण तो हमने किया ही नहीं, तो एक बार वो कर जाए। एंड ए ग्रेट फोटो ऑफ सर, प्लीज यू कैन प्लीज बी सीटेड एंड डू दिस सो दैट पीपल कैन गेट अ व्यू फ्रॉम देयर, एवरीबॉडी। इट्स अनावरण के या ईडी कम या कुछ शब्द मेरे, written by Mr. Virendra Ojha. That's a dream coming true for you. Virendra ji, how are you feeling? Come on, दिल की जितनी भावनाएं हैं बस अब वो ओढ़ेल दीजिए यहाँ पे आके माइक पे। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर Virendra Ojha ji, वेलकम। प्रातस्मरणीय स्वर्गीय मेरी माँ, प्रातस्मरणीय स्वर्गीय मेरी माँ, जिसने मुझे सिखाने की कोशिश की जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, परम श्रद्धेश अमिताभ बच्चन जी, मेरे सहयोगियों और मित्रों, मेरा यह कविता संग्रह कुछ शब्द मेरे मेरे जिंदगी का एक निजी दस्तावेज नहीं है। मेरा कविता संग्रह कुछ शब्द मेरे मेरे जिंदगी का एक निजी दस्तावेज नहीं है। इसमें कश्मीर की तथा आज़ादी के संघर्ष पर एक प्रहार है। इसमें पेशावर के आतंकी हमलों की पीड़ा है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर हमारी उदासीनता का जिक्र है। समाज में गिर रहे मूल्यों पर चिंता है, तो रिश्तों में आ रहे क्षरण पर क्षोभ है। इसमें अभिमन्यु का दंश है, तो भीष्म की पीड़ा है। सीता का राम से प्रश्न है, तो टूटते ख्वाबों के आंसू भी हैं। शब्दों को शब्दत करती मेरी कविता, पहाड़ों पर चढ़ते मेरे कदम, और मेरा सारा संघर्ष उन बच्चों के लिए है जिन्हें समाज ने ही नहीं, ईश्वर ने भी कुछ अर्थों में कुछ कम इनायत बख्शी है। मेरा संघर्ष उनके लिए है जिन्होंने खुली आंखों से ख्वाबों को देखने का हुनर सीख लिया है। मेरा संघर्ष उनके लिए है जिन्हें यकीन है कि अगर सपने कद और हैसियत को देख कर आ रहे होते तो शाहजहां का ताजमहल जरूर होता, पर दशरथ मांझी की पहाड़ों को चीरती सड़क का कोई वजूद न होता। मेरा संघर्ष उनके लिए है जिन्हें काफिला जिन्हें काफिला मिले न मिले, जिन्हें सरदारों की सरमादारी मिले न मिले, जिन्हें सूरज की रोशनी मिले न मिले, पर वे जुगनुओं और जुगनुओं और चिरागों के सहारे जिंदगी का सफर पूरा करना चाहते हैं। उन्हें यकीन है रातें कितनी भी तावील और कितनी भी गहरी क्यों न हो, हजार पैर अंधेरे के वो कितना तेज भाग ले, पर एक दिन, पर हर रात एक सुबह जरूर होती है, हर रात एक सुबह जरूर होती है।
अमिताभ जी यहाँ आए उन बच्चों को उस रात की सुबह के लिए समर्थन देने के लिए। मेरी सारी कविता का सारा प्रोसीड, मेरी कविता का सारा अर्दंग सब पर सब बीएल नायक हॉस्पिटल को डोनेट किया जाएगा। उन बच्चों को जिनको कि ईश्वर ने पूरी क्षमताओं से नवाजा नहीं है, उनकी जिंदगी के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, देखिए मैं तो नाम का अनमोल हूँ और काम अनमोल करने का वक्त आ गया है। और मैं चाहूँगा कि अब जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो अपने कैमरा के लेंस इधर घुमा लें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होने ही वाला है, ताकि जब सर आके यहाँ पे बोलें तो वी डोंट हैव एनीबडी सेइंग लाल शर्ट वाला नीचे एंड ऑल ऑफ दैट। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन सर। वीरेंद्रोदा जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव देवियों से सज्जनों, मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ अग्रणी जी आपको कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस पुस्तक विमोचन में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत सारी बातें यहाँ पर जो प्रवक्ता मुझसे पहले आए उन्होंने कही, समय मिलना चाहिए बीरेन जी की पुस्तक को पढ़ने का और उसके पढ़ने के बाद ही इसके बारे में बहुत कुछ बोलने का अवसर मिलेगा कभी। लेकिन जिस बात ने मुझे आकर्षित किया आज की शाम को, वो ये कि बीरेन जी का ध्यान जो है वो गया उन बच्चों की ओर जो कि डिसलेक्सिया से पीड़ित रहते हैं। डिसलेक्सिया एक ऐसी पीड़ा है जो कि बच्चों में दिखाई जाती है और आती है उनमें, कई बार इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और ऐसा लगता है कि बच्चों में कुछ कमियां हैं पढ़ते समय लिखते समय, जिसकी वजह से जो अध्यापक हैं या उनके माता पिता भी हैं कई बार ऐसा समझ लेते हैं कि बच्चा जो है वो ध्यान नहीं दे रहा अपनी पढ़ाई में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है और कई बार उन्हें स्वयं कष्ट होता है लिखने में पढ़ने में। इस ओर आपका ध्यान गया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही कम जानी मानी एक तरह से पीड़ा है बच्चों में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके लेखन बहुत मार्मिक हैं, भावनाओं से भरे हुए हैं और हमारी तो समझ में नहीं आता कि कैसे आप इनकम टैक्स में चले गए इसके बाद। मैं केवल यही प्रार्थना करूँगा कि यही मार्मिकता, यही भावुकता, यदि हमारा कोई प्रश्न आपके सामने इनकम टैक्स का है तो दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस पुस्तक विमोचन के लिए मैं आप सबको और वीरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ फॉर द वर्ड ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू कॉल अप ऑन द स्टेज वीरेंद्र जी इज बेटर हाफ एंड ऑफकोर्स IRTS ऑफिसर 995 बैच CCM FM एंड अरोरा हरसेल्फ ईति पांडे। अ वेरी गुड इवनिंग टू माय एस्टीम्ड ऑडियंस। Lives of great men all remind us, we can make our lives sublime. When departing, leave behind us footprints on the sands of time. We have such an esteemed guest on our stage who's leaving the footprints behind for us to follow. Dear Amit ji, we extend our gratitude in accepting our prayer and support for a committed cause of dyslexic children. It is said that a great man shows his greatness by the way he treats his little men. We are the little men. They reach their greatest success by making a single step beyond their greatest failure. You are an inspiration to all of us, and we are ever grateful for your support. Despite having a paucity of time and not being so much in the pink of health, you cared enough to walk these miles for us. Thank you most so much. कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वीरेन के पिता श्री गजेंद्रनाथ ओझा एंड मदर लेट श्री विद्यावती, हुज रिफ्लेक्शंस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हिज राइटिंग्स, शावर देयर ब्लेसिंग्स ऑन हिम। वी बाउ डाउन बिफोर देम टुडे एंड थैंक देम फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट दे हैव शावर्ड ऑन अस। I thank my mother, Srimati Manjulata Pandey, for having supported me through thick and thin. Viren's brothers, Sri Devendocha and Jitendra are also here to extend support.
I take the opportunity to thank the entire income tax community and my railway fraternity for making time for us today. A special mention to Shri Sumit Kumar and Rajesh Mahajan, who have made this day happen for us. I cannot overlook the fact that Shri Rajesh Yadav, without whose support we could not have been able to even tie over a day. A special mention to Abha Singh, by Buryadi, we owe so much to you and express our gratitude for us for your support. Run Samar supports the cause of dyslexic children. I thank the Media House, my esteemed audience, and everyone who has made this day possible for me. Tathagat and Arundhati, our kids are not here, but they have inspired Viren beyond words. And last but not the least, the lady with the lamp, the one who guided us through all our struggle, Dr. Hinal Shah. Please stand up wherever you are, because you deserve the first round of applause. It is she who has made us aware about the problems being faced by the kids, a cause which my husband and I have taken to the heart. Thank you so much, everyone who's been here. Thank you very much. Please, high tea will follow. Thank you so much. A request for a small photo op. People to be together. Global Advertiser for innovative outdoor solutions.